कपड़वंज इंद्रप्रस्थ टाउनशिप बाग बे वीर जवान शहीद ने नमन करता कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मोटी संख्या में लोग एकठा थया हता अने श्रद्धांजलि आपवा माटे भारत माता की जय ना नारा साथे श्रद्धांजलि अर्पण करवामां आवी हती। कपड़वंज तालुकाना वणझारिया गामना हरेश सिंह परमार जम्मू ने काश्मीरना पूंज सेक्टर में आतंकवादी हुमला में शहीदी वोहरी छे, जे शहीदी वोहरी जेने लईने कपड़वंज विस्तार की जनताए श्रद्धांजलि अर्पण करवा माटे विविध कार्यक्रमों आयोजन करवामां आव्युं हतुं। त्यारे कपड़वंजना इंद्रप्रस्थ टाउनशिप भाग बे में वीर जवानी साथे साथे तेने नमन करवामां आव्युं अने तेनी साथे कपड़वंज इंद्रप्रस्थ टाउनशिप भाग बे वीर शहीद ने श्रद्धांजलि आपवा माटे सोसायटीना रहीशो द्वारा कैंडल मार्चनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। परमार हरीश सिंह ने श्रद्धांजलि आपवा माटे वीर जवान शहीद ने श्रद्धांजलि आपवा माटे कैंडल मार्चनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने शहीद अमर रहोना नारा साथे भारत माता की जय। जम्मू अने काश्मीर में जे आतंकवादी हुमला थई रह्या छे तेमां 9 जेटला जवानों शहीद थया छे, तेमां गुजरातना पनोता पुत्र अने गुजरातना एक वीर जवान पण शहीद थया छे। त्यारे तेमने श्रद्धांजलि अर्पण करवा माटे कपड़वंज टाउन इंद्रप्रस्थ भाग बे में श्रद्धांजलि कार्यक्रम कैंडल मार्चनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। खेड़ा जिल्लाना कपड़वंज तालुकाना वणझारियाना वीर शहीद जवान जम्मू ने काश्मीर में शहीद थया तेमनी मानमा श्रद्धांजलि अर्पण करवा माटे कैंडल मार्चनुं आयोजन कपड़वंज खाते टाउनशिप खाते करवामां आव्युं हतुं। इंद्रप्रस्थ टाउन भाग बे में करवामां आव्युं हतुं। आम कपड़वंजनी जनता हजू पण देशप्रेमी एवा वीर योद्धा शहीद वीर जवान ने याद करी रही छे अने तेने याद में श्रद्धांजलि सुमन अर्पण करी अने साथे साथे कैंडल मार्चनुं आयोजन करवामां आव्युं। परंतु तेमनी एक अधूरी प्रेम कहानी पण रही गई छे अने तेओना लग्न करवाना हता अने तेओना लग्न योजावाना हता, परंतु कोरोना काळने कारणे तेओ 2 मेना रोज
परत नौकरी पर चाले गया था ने तेमणे जणाव्युं हतुं के मारा लग्न धामधूमपूर्वक करवामां आवशे, परंतु हालमां कोरोनानी महामारी होय तेथी करीने सादगीपूर्ण लग्न करवामां आवशे, परंतु तेमना लग्न अधूरा रही गया ने तेओना मृतदेह एटले के वीर शहीद जवान थया तेमनो अंतिम यात्रा માં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા અને સાથે સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી અને તેમની જે લગ્ન કરવાના જે તેમના ઉમંગ અને વાર્તા હતા તે પણ અધૂરા રહી ગયા અને તેમના પાર્થિવ શરીર વણઝારિયા ગામે આવ્યું હતું, જેથી કરીને લોકો હિબકે ચડ્યા હતા અને સાથે સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી અને ગૌરવ પણ અનુભવી રહ્યા હતા. હજુ સુધી પણ તેમના માનમાં તેમને યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી રહી છે. આપ દ્રશ્ય નિહાળી રહ્યા છો તે તેમના ફોટોશૂટ કે છે કે જેઓ તે લગ્ન કરવાના હતા, પરંતુ તેમના લગ્ન અધૂરા રહી ગયા છે અને તેઓનો આત્મા છે તે પંચભૂતમાં વિલીન થયો છે અને પરિવાર અને તેના સગા સંબંધીઓ અને કપડભંજની જનતા ગૌરવ સાથે દુઃખની લાગણી પણ અનુભવી રહી છે.